अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं सोफिया मिर्जा। एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ महमूद। वो तमाम जो हाजिर भी हैं और नाजिर भी। सोफिया, आपका मतलब है कि वो तमाम लोग जो कि इस वक्त हमें टेलीविजन स्क्रीन पे इस शो को देख रहे हैं और वो लोग जो कि इस वक्त महफिल में मौजूद हैं। मैं अपनी तरफ से, अपनी साथी सोफिया की तरफ से, समा टीवी की तरफ से, दिल की अथाह गहराइयों से आप सब लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद का आप सबको सलाम और ढेरों खुशियों की मुबारकबाद। सोफिया, इस दुआ के साथ हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं कि माह रमजान में हमने जितनी भी इबादत अल्लाह के हजूर में की है, अल्लाह ताला उन इबादत को, हमारे रोजों को अपनी बारगाह में कबूल करे और उनसे हम सबकी जिंदगियों को मुनव्वर करे। आमीन आमीन। और चूंकि ये ईद शो है, समा टीवी ने ये इतनी खूबसूरत महफिल आपके लिए सजाई है जिसमें आप परफॉर्मेंसेस देखेंगे, गाने देखेंगे और बड़े बड़े स्टार्स लाइव देखेंगे। इसकी एक छोटी सी वजह ईद के अलावा और भी है और वो बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है, बल्कि एक ब्रेकिंग न्यूज है आप सबके लिए। बिल्कुल, वजह आप पता है आपको क्या है? पता तो है लेकिन मैं इस वक्त बताना नहीं चाहूंगा। मैं ब्रेकिंग न्यूज देती हूँ। ब्रेकिंग न्यूज व्यूअर्स, ये है कि आप सबने देखा होगा, चले आप ही बता दीजिए। ब्रेकिंग न्यूज, वैसे तो समा टीवी पे जो ब्रेकिंग न्यूज होती है तो इंसान के दिल जो है वो दहल जाते हैं, लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज जो है आपके लबों पे मुस्कुराहट लेके आएगी। व्यूअर्स, ये शो जो है लॉन्च शो भी है कैफे मीरा का। अब आपकी ईद हर हफ्ते होगी, साल में दो दफा ईदें नहीं होंगी, हर हफ्ते आप मीरा जी को टीवी पे देखेंगे। मीरा अपने दोस्तों को, अपने मेहमानों को अपने इस कैफे में बुलाएंगी और अपने ही अंदाज से उनसे गुफ्तगू करेंगी, उनसे तीखे सवालात पूछेंगी और जब मीरा सवाल पूछेंगी तो मेरा ख्याल है एंटरटेनमेंट जो है वो 100% है। एग्जैक्टली, मेरा ख्याल है काशिफ 120% हो जाएगी, क्योंकि हम सब जो मीरा के फ्रेंड्स हैं जानते हैं कि मीरा मेक्स यू लाफ विद हर सीरियस कॉन्वर्सेशन। वो इतनी प्यारी इंसान है, उनमें कोई बनावट नहीं है, कोई ऐसी आर्टिफिशियल चीज नहीं है, वो आपसे बात करेंगी जैसी वो हैं और आप उनकी बातों से महसूस होते हैं। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम आप काफी एंजॉय करेंगे। बिल्कुल, और अभी फर्स्ट परफॉर्मेंस देखते हैं। आप यकीन कीजिए कि जब वो स्टेज पे आएंगे तो आप अपनी सीट पर बैठ नहीं सकते, चाहे कोई नून लीग से हो, चाहे कोई पीपल्स पार्टी से हो, सब जब्त जरूर करेंगे लेकिन वो आप सब लोगों को हिला देगा, ये शर्त है उसकी। और बहुत ही बड़े फनकार का बड़ा बेटा और उसने इतना मौसीकी की खिदमत की है और पंजाब का रंग, पंजाब की लैंग्वेज और लोक मौसीकी को और लोक विरसे को वो लेके चल रहे हैं और चलता फिरता मुंह बोलता सबूत है। आपकी भरपूर तालियां होनी चाहिए। आरिफ लोहा, जुगनी जी,
मुबारक। खैर मुबारक आपको भी मेरी जानिब से ईद मुबारक। थैंक यू सो मच पब्लिक सर्विस मैसेज से। अच्छा जी आरिफ साहब, इतनी खूबसूरत जुगनी सुनाई है और वो हम सब महव हो गए थे। और आपको पता है समा टीवी पर ये लॉन्च शो है ईद का, और मीरा जी का कैफे मीरा के नाम से एक शो आ रहा है जिसमें वो होस्टिंग कर रही हैं। क्या कमेंट्स हैं आपके? ये मुल्क में इस तब्दीली की, आपको ये तब्दीली कैसी लगी है? तब्दीली की जो फिजा आई है वो क्या है? गुड लक तो उसे कहा जाता है जिससे पहले लक काम ना कर रही हो। लेकिन मजीद अगेन गुड लक, डबल गुड लक है ना। और कोई मैसेज? माशाल्लाह अभी आप वर्ल्ड टूर करके आए हैं। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि मेरे देश ते माल का सदा करदा रवी एहसान, मेरे देश ते माल का सदा करदा रवी एहसान, तेरा वसे काबा सोनिया मेरा वसे पाकिस्तान। आसमाना ते उड़दे पंछी वेख ते सही की करदे ने, नाओ करदे रिस्क जखीरा नाओ भुखे मरदे ने, ते कदी किसे ने पंख पखेरू भुखे मरदे वेखे ने, कदी किसे ने पंख पखेरू भुखे मरदे वेखे ने, और बंदे ही करदे रिस्क जखीरा बंदे ही भुखे मरदे ने। तो खवातीन हजरात, इस वक्त बिलाल कुतुब साहब को मैं, सैयद बिलाल कुतुब साहब को, हमारे इस्लामी स्कॉलर हैं और जब भी बात करते हैं बहुत दिल से बात करते हैं, और इनकी बात जो है हमेशा मेरे दिल को लगती है, हमारे सबके दिलों को छू जाती है बिल्कुल। और उनके साथ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम, और पहले एक्ट्रेस थी फिर बहुत ज़बरदस्त डायरेक्टर बनी, और बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी है, और उनको देख के लगता है कि वो जो एक इंसान के अंदर एक फाइट करने की अल्लाह ताला ने हिम्मत डाली है, वो इनसे देख के मुझे हमेशा मिलती है। तो आपकी भरपूर तालियों में सैयद बिलाल कुतुब साहब और फिल्म स्टार डायरेक्टर संगीता पाको में बुलाता हूँ। तो बिलाल भाई, सबसे पहले आपको, आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं चाहूँगा कि आप ईद के हवाले से कुछ बताइए। अगर आप इजाजत दें तो जो आपने अभी पंजाबी में पोइट्री पढ़ी उसका हवाला दे सकते हैं? जी जरूर जरूर जरूर। ये कैसी अजीब बात है खवातीन हज़रात, ये कि जब वक्त बदलते हैं आपस में तो उनके अंदर जो ताल्लुक और कनेक्टिविटी होती है वो कैसे, कि अभी जो भाई ने पंजाबी में नज़म पढ़ी, यही बात बिल्कुल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने एक अहवारी से कही। आप सफ़र कर रहे थे तो अहवारी से कहा कि तू क्या लेके जा रहा है? उसने कहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, दो रोटियां। तो उन्होंने कहा दो क्यों? कहा एक इस वक्त के लिए और एक अगले वक्त के लिए। कहा तूने हमें उन परिंदों से भी कम कर दिया जिनको खुदा आसमान पे हवाओं में फ़जाओं में रिस्क पहुंचाता है। वाह वाह, एक रोटी रख और एक मछलियों को खिला दे। ये जो अकल और दानिश जो है ये इसी तरह सफ़र करती है और मुख्तलिफ कल्चर्स में से गुजरती हुई यहाँ तक पहुँचती है। ईद मेरे ख्याल में, मेरे गुमान में, मेरी दुआ है कि पाकिस्तान का हर दिन जो है वो ईद हो और हर रात जो हो वो शबे बरात हो। लेकिन ख्वातीन हज़रात, इसमें मेरी और आपकी जो जहद है, मेरी और आपकी जो नीयत है, उसका बहुत दारोमदार है। अच्छा ये बताइए ना कि मीरा एज अ स्टार कैसी है, वर्कर के, मतलब उन्होंने एक्टिंग की कैसी थी? और थोड़ा मीरा ने, सबसे पहले मेरी एक फिल्म थी किलोना जी, उसमें काम किया था। मेरे ख्याल में ये दूसरी या तीसरी फिल्म थी, और जब मैंने इसको बुलाया तो इतनी ये सिंपल होती थी कि सर में तेल लगा हुआ कस के चुटिया बांधी हुई ये मेरे ऑफिस आई। मैंने कोई इसका वो नहीं लिया, मैंने कहा ओके डन। अब वो इतना बड़ा टाइटल रोल था और इसने करके दिखाया। मुझे इसकी एक ही चीज अच्छी लगती है कि जो ये ठान ले वो करती है। होस्टिंग शुरू कर दी है मीरा ने, इस पे आपको क्या लगता है? आप गेस्ट होंगी और वो आपको सवाल कर रही होंगी और तीखे तीखे सवाल होंगे। मैं एक बात बता दूं या नर्वस हो जाएगी? बताएं जरा। मीरा सबका इंटरव्यू ले सकती, मेरा इंटरव्यू लेगी तो नर्वस हो जाएगी। कुतुब साहब आप भी देख रहे हैं मीरा जी होस्टिंग कर रही हैं, अब आप इल्म और दानिश माशाल्लाह बातें करते हैं, आप इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे? सही सही वाली बात कि आपको कैसा लगता है कि एक सुपरस्टार टीवी पे आके इंटरव्यू कर रही हैं?
देखो मैं अभी उम्र के हिस्से में हूँ कि ये सारे लोग मुझे अपने बच्चे लगते हैं, इसलिए मैं आपको अपने दिल की गहराइयों से दुआ देता हूँ और आपको एक बड़ा होने की हैसियत से एक मशवरा ये देता हूँ। मेरे ख्याल में आपको जो प्लेटफॉर्म अल्लाह ने दिया है ना, वो हज़रत इब्राहिम की आग में जो चिड़िया थी ना वो अपने चोंच में पानी लेके जाती थी और उस पर डालती थी, तो उसको जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि चिड़िया ये इससे आग तो नहीं बुझने लगी, उसने कहा जिब्राईल अलैहिस्सलाम, सब चिड़िया की क्या औकात कि वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम को जवाब दे, कहने लगी कि रोज़े क़यामत जब खुदा पूछेगा कि तूने क्या किया तो मैं कहूँगी अल्लाह तूने मुझे जितनी चोंच दी मैंने भी उतना पानी डाला उस पर। आपको अल्लाह ताला ने एक मौका दिया पूरे सच्चे दिल से और अल्लाह से दुआ करके अपना हिस्सा डालिए इस नीयत के साथ कि आपका हर लफ्ज़ जो है वो इस कौम के बच्चे और बच्चियां बड़े और छोटे सब सुन रहे हैं। अल्लाह करे कि आपके इस ज़ोर बयां में वो असर और तासीर हो कि इस मुल्क को जिन जिन लोगों की ज़रूरत है और जो कमी महसूस होती है अल्लाह वो कमी आपसे पूरी कराए इंशाल्लाह। थैंक यू। नेक्स्ट परफॉर्मर है हमारी जी आमना अली। बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस करती हैं और आपको बताती चलूं कि वो बेसिकली क्लासिकल परफॉर्मर है और आज स्पेशल समा ईद के संग के इस प्लेटफॉर्म पे वो आप सबको एक डिस्को डांस दिखाएंगी जो कि एनरिके इग्लेसियस के गाने पे होगा। सो आपकी बहुत सी तालियों में आमना अली। I know you want me. I need it obvious that I want you to. So put it on me. Let's remove this business.